अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रीजनिंग क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मैन, इंसान में किस तरह ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, ये सवाल आपसे पूछा गया 2019 में। रीज़न हमने सबसे पहले देना है एबनॉर्मल डेवलपमेंट इंड्यूस्ड इन जर्म सेल्स एक्सीडेंटली या जेनेटिकली बाय इन्फेक्शन, रेडिएशन, ड्रग एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अल्कोहल एडिक्शन ड्यूरिंग स्टार्टिंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल सिक्रीशंस ऑफ सम ग्लैंड्स एंड कजन मैरिजेस, एंड ऑल्सो टेराटोलॉजिकल डिफेक्ट्स। ठीक है, अब आप उर्दू मीडियम वाले भी इसको पिक करें कि जर्म सेल्स में कोई भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या वो विरासती हो, और ये किन के जरिए होगा, यानी इन्फेक्शंस हो सकते हैं कोई भी किस्म के, रेडिएशंस यानी आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तरफ एक्सपोजर हो जाए, ड्रग एक्सपोजर, आपने ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर ली, नशावर दवाएं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी आपको बहुत मैटर करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एडिक्शन, शराब नोशी की आदत जो प्रेगनेंसी के शुरू के हफ्तों में अगर हो तो ये ख़तरनाक है। इसके अलावा एबनॉर्मल सिक्रीशंस हो सकती हैं ग्लैंड्स की, जो भी इंटरनल ग्लैंड्स हैं आपके जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सिक्रीट हो रहे हैं, उनमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा कज़न मैरिजेस, आपस में जो चचा जात ताया जात के दरमियान कई नस्लों से शादियाँ हो रही होती हैं, अगर रिसेसिव जीन है तो बच गए, लेकिन अगर डोमिनेंट जीन शो हो गया तो एबनॉर्मलिटी शो हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा टेराटोलॉजिकल डिफेक्ट्स यानी बर्थ के कॉन्जेनेटल यानी बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स होते हैं वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनते हैं। एक्सप्लेनेशन हम बाद में देते हैं ताकि एग्जामिनर को आपको नंबर देने में आसानी रहे। ऑल अब मेंशन फैक्टर्स क्रिएट एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एबरेशन, ये सारी जो वजूहत ऊपर बताई गई, कज़न मैरिज और टेराटोलॉजिकल डिफेक्ट, ये सब कुछ, ये या ड्रग्स वगैरह, ये क्रोमोसोम्स में चेंज ला सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं उनको, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन, और वो क्या क्या होगी, क्रोमोसोम्स में या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बदल जाएगा, या उसके नंबर्स जो 46 हैं फिक्स्ड, उनकी तादाद में कमी ज़्यादती हो सकती है, तो ये जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगी। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स में या फिर जीन में भी स्ट्रक्चर और नंबर्स में अगर चेंज हो रहा है तो भी, अब जीन एब्रेशन में आप मजीद जो है वो देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट, अपनी जगह से वो चला गया कहीं और कोई दूसरा आ गया, डिसलोकेशन, अपनी जगह से कहीं चला गया लेकिन वापस कोई भी नहीं आया, और एब्सेंस यानी वो बिल्कुल गायब हो गया कोई जीन, एक या एक से ज़्यादा जीन मियोसिस के दौरान, जर्म सेल्स में जब मियोसिस हो रही हो तो उसके दौरान अगर इस तरह का कुछ वाकया हो जाए, इस तरह के कुछ मसला हो जाए तो यकीनी तौर पर एबनॉर्मल क्रिएशन शो हो जाएगी जीन और क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से। दीज क्रोमोसोमल और जीन एब्रेशन क्रिएट एबनॉर्मलिटी इन मैन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपने देखा कि इनके उसके होने से कहीं किसी भी जानदार में आपके चेंजेस आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस एबनॉर्मलिटी शो हो सकती है। टेराटोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्या क्या हैं जनाब, ग्रोथ रिटार्डेशन यानी आपका उनकी छोटा कद रह गया या बहुत लंबा कद हो गया इस किस्म के, या हाथ छोटे रह गए या कोई भी दिमाग छोटा रह गया, ये आपका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। फिर डिलेड मेंटल डेवलपमेंट, दिमाग जो है उसकी जहनी सलाहियत और उसकी याददाश्त और उसकी जहानत उस पर असर करता है, वो देर से शो हो सकता है, डिलेड मेंटल डेवलपमेंट, और अदर कॉन्टिनेंटल डिसऑर्डर्स, बर्थ के डिफेक्ट्स यानी हाथ नहीं था, हाथ नहीं, फॉर्म में कुछ डिफेक्ट था, इस तरह के पैदाइशी जो डिफेक्ट्स हैं वो भी टेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट्स कहलाते हैं, और इनकी स्टडी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो कॉन्जेनाइटल हैं, बाय बर्थ हैं और एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है लिविंग थिंग्स की, इनकी स्टडी को अगर साइंटिफिकली स्टडी करें तो हम इनको टेराटोलॉजी कहते हैं। ये एक नई साइंस है, एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके अलावा आपकी मालूमात के लिए हम बता दें कि टेराटोजेंस क्या हैं, वो एजेंट्स हैं जो कि कॉन्जेनेटल या बर्थ डिफेक्ट्स को पैदा करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट के ज़रिए। ठीक है, तो अब वो किस में टॉक्सिक इफेक्ट किस में आएगा, एम्ब्रियो या फिटस में। ठीक है, उसकी नॉर्मलिटी को
स्टेज पर चेंज कर देगा। इसमें हमारे पास क्या क्या है, प्रीटोनियल विटामिन A1 अगर हाई डोज में दे दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, फिटस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। थैलिडोमाइड यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक मेडिसिन है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए जैसे लेप्रोसी वगैरह, जुजाम वगैरह के लिए। इसके अलावा कोढ़ है इनके लिए, HIV एसोसिएटेड कंडीशंस, इससे भी इसके लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो ये सब हाई रिस्क इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इनका बहुत हाई रिस्क है। इसके अलावा मरकरी, बाय इनहेलेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल मरकरी वाटर्स वेपर्स, आपके पानी में अगर मरकरी वेपर्स हल हो गए हैं तो उनके सांस के जरिए अगर वो चले गए तो वो नुकसान देंगे। और बाय इंजेक्शंस खाने पीने की चीज़ों में अगर आपके साथ चले गए किसी भी शक्ल में, एनी फॉर्म ऑफ मरकरी, ये टॉक्सिक है, ये एबनॉर्मलिटी फिटस में क्रिएट कर देगी, टेराटोलॉजिकल एजेंट में शामिल है, ठीक है, इसके जहरीले असरात मौजूद हैं। इसके अलावा अल्कोहल, शराब, अगर हमें चाहे आप शराब नोशी के आदि हैं, एडिक्ट हैं, या फिर साइको एक्टिव ड्रग के तौर पर उसको लेते हैं, इन दोनों हालतों में इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, दवा के तौर पे भी अगर लें तब भी, और नशे के तौर पर लें तब भी। इसके अलावा लेड अगर पानी में या गज़ा में आपकी शामिल हो गया है तो वो एक न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिक मेटल है, दिमागी जहर है, ठीक है, जहरीला मादा है, मेटल है, जो कि पूरी दुनिया में इसका असर है, इशू है, ये बाय ग्लोबल इशू एंटर्स द बॉडी थ्रू इनहेलेशन, सांस के जरिए चला गया लेड, ठीक है, इंजेक्शन खाने पीने की चीज़ों के जरिए, और स्किन एब्जॉर्प्शन, जो स्किन से एब्जॉर्ब हो गया, दो तीनों हालतों में ये चला जाएगा, फॉर फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद लेड, और वो गज़ा और वो पानी जो लेड से कंटामिनेटेड है ये आपके बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना पॉलीक्लोरिनेटेड बाई फिनाइल्स PCBs, ये भी हाईली रिस्क हैं, ये हाईली कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर पैदा करते हैं, यूज्ड इन कार्बन लेस कॉपी पेपर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बन लेस कॉपी में, हीट ट्रांसफर फ्लूइड्स में, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह अगर पानी के जरिए या उस फ्लूइड के जरिए हीट ट्रांसफ़र हो रही है वहाँ पर, एंड डाई इलेक्ट्रिक एंड कूलेंट फ्लूइड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, आप जैसे कूलेंट और वो बैटरी वगैरह में डालते हैं आप डाई इलेक्ट्रिक, इनके ज़रिए भी जो है वो ये एबनॉर्मलिटी टेराटोलॉजी हो सकती है बाय बर्थ, और इनको बैन कर दिया गया इंटरनेशनली इन 2001 इन क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCBs को बैन कर दिया गया है। टेट्रा क्लोरो डाइऑक्सिन TCDD, ये भी साइड प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस के, जो फैक्ट्रियों में हो रहा होता है उनकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर बॉडी में या फूड में या वाटर में के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये भी एजेंट हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे और फिटस या एम्ब्रियो को इफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए। क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन आप देख सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट में आप चेक करें, लेक्चर ट्यूटोरियल्स में सब कुछ मौजूद है। थैंक यू।